हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 के थ्योरम नंबर 8.4 पर। बहुत आसान है, सबसे पहले इसको समझते हैं। थ्योरम 8.4 कहती है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह का आपका पैरेललोग्राम बनेगा जिसको हम नाम देंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आपको दिखाना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दिखाना है बच्चों, ठीक है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दिखाना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दिखाना है बच्चों, ठीक है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है आपको पता होगा पैरेललोग्राम की, जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं, ये एंगल प्लस ये, ठीक है, प्लस ये एंगल प्लस ये, तो दो कंसेक्यूटिव एंगल का जो सम होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी, ठीक है, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। और इसका रीजन है टू कंसेक्यूटिव सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी पैरेललोग्राम की, ओके। सो यहां से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, यहां से आप देखेंगे इसको एंगल ए प्लस में एंगल डी, ठीक है, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। इसको हम इक्वेशन वन लिखेंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, दो कंजुगेटिव एंगल्स है, ठीक है, इंटीरियर में। सो एंगल डी प्लस में एंगल सी, यहां से हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस में एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। और इन दोनों का रीजन होगा सम ऑफ टू कंजुगेटिव एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये इसका रीजन आपको लिखना है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है बच्चों, क्या होगा, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस में एंगल सी, ठीक है बच्चों। एंगल डी दोनों में कॉमन है, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है बच्चों। एक पार्ट आपका प्रूव हो गया है, मतलब एक ये आपको प्रूव कर दिया, आपको ये भी बताना है। सिमिलरली बी और डी के लिए आप करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करना होगा, एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन वन बन जाएगा आपका। एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये इक्वेशन टू बन जाएगा। रीजन आपका सेम रहेगा, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। फिर दोनों को फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू करेंगे, देन अगेन उसको ऐड करेंगे आप, उसमें सी कॉमन आएगा, बी और सी प्लस में था, ठीक है, सी और डी प्लस में था तो कॉमन आएगा तो कट जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आप खुद से जरूर करना, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में थ्योरम 8.5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।